नमस्कार दोस्तों। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने जो अपनी पीजी एडमिशन के लिए जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी है। आप देख पा रहे होंगे डेट है 18 अक्टूबर 2022, यानी कि 18 तारीख को इन्होंने जो अपनी सेकंड कट ऑफ लिस्ट है पीजी प्रोग्राम के लिए वो रिलीज़ कर दी है, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज, यानी कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पर जो सेकेंड कट ऑफ लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी है। अब देखिए क्या है, इन कंटिन्यूस ऑफ द एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2022 एंड 2023 इश्यू वी आई डी एफ नंबर CUSB। उसके बाद ये देखिए डेट 3/10/2022 को द कट ऑफ स्कोर ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन आर अनाउंस्ड एज अंडर। अब देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज सेकेंड कट ऑफ स्कोर फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ दे रखा है, यानी कि आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना था। उसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी दे रखी है, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, उसके बाद SC ST EWS PWD और CW। तो यहाँ पर हम बात करते हैं MSc फिजिक्स के लिए कि यहाँ पर कितनी सीट वेकेंट है। तो ये देखिए, अब बात करें हम फिजिक्स के लिए, आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज सेकेंड कट ऑफ स्कोर फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो जो 10 नंबर उस पर देखिए MSc फिजिक्स के लिए यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उसमें कोई सीट वैकेंट नहीं, यानी कि सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो एडमिशन ले चुके हैं। उसके बाद बात करें OBC कैटेगरी के लिए, तो OBC कैटेगरी में भी यहाँ पर कोई सीट वैकेंट नहीं रही है, जो सेकेंड कट ऑफ स्कोर आया उसमें कोई सीट वैकेंट नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि यानी कि जो पहले कट ऑफ स्कोर आया था वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल थे उनको सबको सब ने यहाँ पर एडमिशन ले लिया। उसके बाद बात करें SC और ST के लिए, तो री ओपन होगा फॉर एल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर रजिस्टर किया था उनके लिए जो एडमिशन है वो री ओपन होगा। उसके बाद बात करें EWS कैटेगरी के लिए, तो EWS कैटेगरी, PWD और CW में जो MSc फिजिक्स के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है सेकेंड कट ऑफ के लिए, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार थी उसमें जनरल कैटेगरी, OBC और EWS, PWD और CW के लिए जो MSc फिजिक्स में जो आफ्टर फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी उसके बाद यहाँ पर कोई सीट वैकेंट नहीं है। अब देखिए कि जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आई है उसके बाद जो इनकी फीस पेमेंट है उसकी लास्ट डेट कब और कब से ये जो फीस डिपॉजिट है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसको देखते हैं। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड द कट ऑफ स्कोर एज अबाउट द रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अप्लाई फॉर एडमिशन बाई डिपॉजिटिंग द प्रोग्राम फीस थ्रू पेमेंट लिंक विथ इन द डेड लाइन फ्रॉम 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, यानी कि जिन कैंडिडेट का नाम सेकेंड कट ऑफ लिस्ट में आया है यानी कि जिनको मेल गया है उनको जो फीस डिपॉजिट करनी है प्रोग्राम के लिए वो 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इनकी जो फीस है वो आपको डिपॉजिट करनी है। अब देखिए आगे क्या कह रखा है, जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या है कि द पेमेंट गेटवे फॉर डिपॉजिटिंग प्रोग्राम फी सेल बी ओपन फ्रॉम 19 अक्टूबर फॉर दूज कैंडिडेट ओनली हु हैव बीन फाउंड एलिजिबल एज पर क्राइटेरिया, यानी कि केवल वही कैंडिडेट यहाँ पर जो फीस का गेटवे है उनके लिए ही ओपन होगा जो कैंडिडेट यहाँ पर जो एलिजिबल है उनकी जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया रखा गया है एलिजिबिलिटी का उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करते हैं उनको ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका स्कोर तो कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा है लेकिन जो आप जो उनका ग्रेजुएशन में नंबर है यदि वो उस क्राइटेरिया से बिलो है तो आपको वो गेटवे है फीस का वो ओपन नहीं होगा। तो इसका अर्थ यही है कि जो यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर एडमिशन इन CUSB उनको वो जो फीस पेमेंट है वो गेटवे ओपन होगा 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, तो जिन कैंडिडेट का अभी यहाँ पर नाम आया है वो कैंडिडेट यहाँ पर जो फीस डिपॉजिट है वो 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आई है उसका नोटिफिकेशन का वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।